दोस्तों मेरा एक सवाल है आपसे कि व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। वेट, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ए हिंदी, बी नेपाली, सी गुजराती और डी ऑल ऑफ द अबव। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में दें। अब चलिए बात करते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हमें बचपन में पढ़ाया गया है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब उस समय बच्चे थे तो जो पढ़ाया गया हमने पढ़ लिया और मान भी लिया, लेकिन क्या रियली में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? तो आप ये क्वेश्चन अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड सर्कल से पूछना कि व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और आई एम श्योर अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा होगा तो वो इसका जवाब हिंदी देंगे। लेकिन अगर यही सवाल आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपसे कहूंगा कि नो, हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज। अब आप बोलेंगे क्यों, तो चलिए इसके लिए हम अपने संविधान को खंगालते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो हमारे देश में टोटल 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, लेकिन इनमें में हमने 22 लैंग्वेज को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। अब चलिए चलते हैं थोड़ा बैकग्राउंड में। तो जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय लैंग्वेज की बात उठी थी, तब लैंग्वेज सोचा गया कि कौन सी भाषा को हम अपना नेशनल लैंग्वेज बनाएं। तो उस समय 40% से ज़्यादा आबादी हिंदी भाषा बोल रही थी, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो हिंदी नहीं जानते थे, और उनमें जो स्टेट्स थे वो थे साउथ के स्टेट और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट। तो उन्होंने इसका कड़ा प्रतिरोध किया कि नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं होगी। तो उस समय एक बात और भी थी कि जितने भी लॉज थे, बुक्स थे, डॉक्यूमेंट थे, वे सभी इंग्लिश भाषा में थी, क्योंकि हमारा हम पे राज किसने किया था, हम पे राज ब्रिटिशर्स ने किया था, तो उनकी भाषा क्या थी, इंग्लिश। तो इसलिए उस समय तुरंत उन सारी बुक्स को, सारे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना हिंदी में मुमकिन नहीं था। इसलिए 15 साल का समय लिया गया और उसमें कहा गया कि 1965 तक हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगे, और जितने भी काम होंगे ऑफिशियल पर्पस के वो सभी इंग्लिश में होंगे, और हिंदी में डेवलपमेंट होगा, हिंदी में ट्रांसलेशन होगा। और फिर फाइनली 1965 तक आते आते हम हिंदी को पूरे देश का एक राष्ट्रभाषा घोषित कर देंगे। तो ये तो डिसीजन हो गया। अब समय बीतता चला गया। तो अब बात आता है 1963 में। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। तो उन्होंने उस समय एक स्पीच दिया कि अब वक्त आ गया है कि हिंदी को हम कंप्लीट फुल्ली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दें, और जितने भी पार्लियामेंट्री के ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी ऑफिशियल पर्पस के काम होते हैं, वे सभी अब हिंदी में करेंगे और सब सेक्शन में इंग्लिश को रखेंगे। अब जैसे ही ये स्पीच उन साउथ के स्टेट्स ने सुना, स्पेशली तमिलनाडु के, तो उन्होंने इसका कड़ा प्रतिरोध किया। और उसके बाद समय आता है 1965। अब उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। तो 26 जनवरी 1965 का समय आ गया था जब अनाउंसमेंट करने वाले थे वो कि अब हिंदी ऑफिशियल पर्पस यानी कि फुल्ली नेशनल लैंग्वेज होगा इंडिया का। अब ये अनाउंसमेंट करने वाले थे कि उसके कुछ दिन पहले ही स्पेशली तमिलनाडु में ही डीएमके के लीडर्स ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया, वायलेंस होने लगा, बहुत जो लोग अपनी जान देने लगे, और इतने हालात गंभीर हो गए थे कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने एक अनाउंसमेंट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा नहीं बना रहे हैं, और सन 1967 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया इनडेफिनेट टाइम के लिए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज होंगे, लेकिन अब इंग्लिश का कोई टाइम लिमिट नहीं होगा कि वो कब तक इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहेगा। और इस तरह दोस्तों हिंदी राष्ट्रीय भाषा बनते बनते रह गया। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो उसका कमेंट में आप जवाब जरूर दें, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ कि हमारे संविधान में ये शेड्यूल 8 में टोटल 22 लैंग्वेज के नाम दिए गए हैं, तो वो सभी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा हमारा राष्ट्रीय भाषा है, तो यहाँ मैंने जो तीन भाषा बोली और ऑल ऑफ दी एवर बोली, तो वैसे तो हिंदी भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, फिर गुजराती भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और नेपाली भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इस तरह हम ऑल ऑफ दी, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी एवर टिक कीजिएगा तभी ये राइट माना जाएगा। अगर आप हिंदी टिक करके आ जाओगे तो ये फिर रॉन्ग होगा। वैसे तो राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, लेकिन मेंशनड यही है। और ऑल ऑफ द ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर आप हिंदी तो चूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि नेपाली भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो दोस्तों इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा इस वीडियो का अंत। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तब तक के लिए धन्यवाद।